एडब्ल्यूएफ का नेतागण, दोनों यूनियन का पदाधिकारी और आतंक फैक्ट्री भंडारा का सभी मजदूर साथियों, भाइयों, बहनों, सबसे पहले हम ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज फेडरेशन की तरफ से आप सबको अभिनंदन करना चाहता हूं। एक महीने का हड़ताल डिफेंस कर्मचारी का तीनों महासंघ एडीएफ, आईडीडब्ल्यूएफ और बीपीएमएस और हमारा एसोसिएशन का साथी लोग सिद्रा, हम लोग सब मिलके सरकार का एक नीति के खिलाफ में एक महीने का हड़ताल का नोटिस किया, तैयारी किया। 50 एजेंडा हमने नहीं रखा उस हड़ताल में, आप सबको मालूम है। उस हड़ताल में एक ही एजेंडा है, एक ही डिमांड है, ऑर्डिनेंस प्रैक्टिस को कॉर्पोरेटाइज मत करो। हम भर्ती हुआ डिफेंस में ऐसे केंद्र सरकार कर्मचारी, ऐसे डिफेंस सिविलियन कर्मचारी, हमारा रिटायरमेंट भी केंद्र सरकार से ही होना है। हम कोई पब्लिक सेक्टर का कर्मचारी बनाने के लिए तैयार नहीं है, दूसरा कोई डिमांड नहीं था। उसका पहले भी हमने बहुत हड़ताल किया, जनवरी के बारे में भी अभी साथी लोग ने बताया, जनवरी 23, 24, 25 तीन दिन का हड़ताल किया, उसमें एनपीएस का भी था, उसमें नॉन कोर कमांड भी था। लेकिन इस हड़ताल में हमने एक महीने के लिए तैयार किया था, उसमें एक ही डिमांड था। क्यों? मोदी सरकार वापस आने के बाद लोग ने बोलता है मोदी वन मोदी टू, तो कोई मोदी टू वापस आने के बाद 100 दिन का एजेंडा बनाया, 100 दिन का अंदर हम ये काम करना है। उसमें डाल दिया 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को कॉर्पोरेटाइज करना है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड विल बी कन्वर्टेड टू ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कॉर्पोरेशन लिमिटेड। किसी से बात नहीं किया, किसी फेडरेशन से डिस्कस नहीं किया। अचानक एक दिन कैबिनेट सेक्रेटरी का चिट्ठी आ रहा है सेक्रेटरी डीपी को, बाबा प्रधानमंत्री का ऑफिस ने निर्णय ले लिया 100 दिन का अंदर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को कॉर्पोरेटाइज करना। अरे 20 साल से ये प्रॉब्लम चल रहा है। डीके नायर कमेटी, विजय केलकर कमेटी, जापा कमेटी, रामनपुरी कमेटी, ये कमेटी पूरा आत्म प्रैक्टिस को कॉर्पोरेटाइज करने के सिफारिश किया। लेकिन जॉर्ज फर्नांडिस साहब से लेके जॉर्ज फर्नांडिस, प्रणब मुखर्जी, ए के एंटनी, मनो